welcome to biolibrary and uh, with this video i'm going to attach one uh, video of mine which is from 2021 in which i have discussed your barc biosciences ka paper actual paper which was held इन सेप्टेम्बर और अक्टूबर 2021 क्योंकि उस बार जो है बिकॉज ऑफ कोविड एग्जाम शिफ्ट हो गया था एंड यूजअली एग्जाम यही जो आपका टाइम चल रहा है दैट इस मार्च के मार्च में होता है बट उस बार वो शिफ्ट हुआ था एंड बिकॉज ऑफ दैट उस टाइम पे हमने डिस्कशन किया था एंड आई एम अटैचिंग दैट वीडियो आई एम सो सॉरी आपका uh, जो प्रोटीन का लेक्चर है वो मैं कर लूँगी uh, क्योंकि थोड़ा सा एक तो टाइम इशू हो गया प्लस मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं आपके लिए नोट्स प्रिपेयर कर पाऊँ तो मैं दोनों चीज़ें साथ में करना चाहती हूँ ताकि आप थोड़ा सा कनेक्ट और कर पाओ अगर कुछ ऐसा होगा तो आई एल रिलीज मोर देन वन क्लासेस कल और टिल देन मैंने आपको जो टेस्ट एंड आई सेंट यू ऑन इंस्टाग्राम प्लीज़ डू क्वेश्चन फ्रॉम इट बाई केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैव बिन सॉर्टेड जो मैंने पी डी एफ सेंड किया है टेलीग्राम में जो मेरा चैनल है बी आर सी बायोसाइंसिस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री उसमें मैंने सॉर्टेड पी डी एफ शेयर किया है जिसमें कि क्वेश्चन सॉर्टेड है एंड उन क्वेश्चन में से आपको क्या करना है स्पेसिफिकली पार्ट बी लगाना है अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर पार्ट सी बट पार्ट सी की इतनी जरूरत नहीं है मैं क्या करती थी पार्ट सी में भी आपको बहुत ज़्यादा थेरेटिकल क्वेश्चन मिलते हैं सो वॉट यू कैन डू इज अलॉन्ग साइड आप पार्ट सी के वो क्वेश्चन लगा सकते हो जो थेरेटिकल ज़्यादा है प्लीज़ कीप इन माइंड कि बी आर सी में आपके पास दो घंटे में हंड्रेड क्वेश्चन हैं तो क्वेश्चन वही फ्रेम होंगे जो आप रीड कर सकते हो बहुत जल्दी ओके okay? तो बहुत बड़े क्वेश्चन फ्रेम नहीं होंगे बट देन अगेन आई थिंक जितने भी प्लेथ्रॉफ क्वेश्चन जितना भी कॉम्बिनेशन इज अवेलेबल टू यू ट्राई टू सोल्व दैट टेस्ट एंड एवेल्युशन मैंने भेज दी है गेट के आ, बायो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको अरेंज करके उन्हें करना है अगर मुझे मिलता है एज सेंड इट इन माई टेलीग्राम चैनल अदरवाइज आप उन्हें क्वेश्चन को लगाओ आप इस पूरे आ, कुछ तीन से चार दिन को जिस डेडिकेटेड टू तो बायो केमिस्ट्री एंड जैसी बायोकेमिस्ट्री खत्म होता है सेल बायोलॉजी पर स्विच हो जाओ देखो अब मैं अपनी तरफ से जो मटीरियल दूंगी वो आपके पढ़ने रिविजन करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा बट एट द सेम टाइम वेन यू विली डूइंग दैट तो आपका जो टाइम है वो क्वेश्चन लगाने में थोड़ा ज्यादा टाइम चला जाएगा तो वॉट यू कैन डू इज अभी टाइम सेव करके क्वेश्चन लगाओ और क्वेश्चन में प्रोटीन के केस में पी वाले क्वेश्चन पे ध्यान दे सकते हो थोड़ा बहुत ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन पे ध्यान दे सकते हो माओग्लोबिन हीमोग्लोबिन मैच द फॉलोइंग में एक्सपेक्ट कर सकते हो तो प्लीज उस पर भी ध्यान दें ओके okay. everybody. पहले मुझे ये बता दो हुज्वाइंट कल एग्जाम है या आज दे दिया है बिकॉज आज के क्वेश्चन का मेरे पास कुछ मैंने सेवेंटी फाइव क्वेश्चन अरेन्ज किए हैं सेवेंटी फाइव क्वेश्चन आई कैन डिस्कस विद यू एंड वो सेवेंटी फाइव तो एज सच ही डिस्कस कर लेंगे और कल के लिए जो टॉपिक बचते हैं ना उसमें से आई कैन टेल यू कि कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं या फिर इसके अलावा क्या देखना चाहिए ठीक है येस मीन्स वॉट डू यू हैव योर एग्जाम टमोारो नो या यू हैव योर एग्जाम टमोरो ओके दीप्ति ठीक है आई रिमेंबर चलो शल आई स्टार्ट आज का पेपर बहुत लोग बोल रहे हैं इजी था अब इजी भी सबके लिए नहीं था एन आई दिस पोल आई गोट समी परसेंट पीपल से नहीं डिफिकल्ट था पीपल वर इट से डिफिकल्ट एंड वर से ईजी था तो ईजी भी उनके लिए था जिन्होंने वो टॉपिक्स पढ़े थे जिन्होंने वो टॉपिक्स छोड़े होंगे उनके केस में उनके लिए ईजी नहीं था आई एम हैप्पी कि प्लांट फिजियोलॉजी मैंने बोला था एंड प्लांट फिजियोलॉजी भर भर के थी पेपर में ओके प्लांट फिजियोलॉजी कल भी होने वाली है प्लांट फिजियोलॉजी इज काइंड ऑफ देयर फेवरेट टॉपिक एंड ऑल्सो बी आर सी का एग्रीकल्चरल कोलेबोरेशन है इसलिए प्लांट तो आना ही आना है और उसमें से एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन भी आते हैं बहुत अच्छे अच्छे ठीक है फाइन तो आई एम स्टार्टिंग कि क्या क्या क्वेश्चन थे तो वन क्वेश्चन वॉज फ्रॉम सी फोर एंड सी थ्री साइकिल कि कितना वेरिएशन आता है जब आप सी फोर साइकिल में आपने दो प्लांट्स रखे हुए हैं आपने एक टाइम पे क्या किया CO2 रिमूव कर दिया तो जो उसके एंड प्रोडक्ट हैं यानी कि BPG होता है और फॉस्फोग्लिसरेट होता है राइट right? तो इन दोनों में या फॉस्फोग्लाइकोलेट इन दोनों के कंसंट्रेशन में क्या डिफरेंस आएगा आफ्टर सी ओ टू रिमूवल तो आपको क्या करना है सी फोर सी थ्री के कॉन्सेप्ट थरो होने चाहिए सो दैट आप ये करोगे क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी होता है आपको कॉन्सेप्ट कन्फर्म होने चाहिए क्वेश्चन अप्लाइड होता है तो बहुत ईजी होता है ठीक है देन रुबिस्को का क्वेश्चन था रुबिस्को के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे क्योंकि उस एंजाइम को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स आर मैनी एंड अलॉन्ग विथ दिस थोड़ा बहुत ये आ जाता है कि को कम्बाइन विद बोथ सीओ टू एंड ऑक्सीजन तो उस केस में इट्स प्रोडक्ट्स आर मैनी तो प्रोडक्ट भी बहुत सारे हैं एंड एज वेल एज फैक्टर्स भी बहुत सारे हैं तो ये रूबिस्को का क्वेश्चन था एक एंड देन देर वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम एनजाइम इनिबिशन एनजाइम इनिबिशन में देवर टू प्लॉट्स सिग्मोइडल कर्व दो कर्व दिए थे एंड यू हैड टू टेल अबाउट टू फैक्टर्स कि इनमें से जो कर्व है दैट इज वेदर इट इज एलोस्टेरिक और नॉन एलोस्टेरिक इफ एंड अलॉन्ग विद एलोस्टेरिक इट वॉज रिटर्न की इट इज विद इनिबिटर और विदाउट इनिबिटर तो चार ऑप्शन बन गए एलोस्टेरिक विद इनिबिटर फर्स्ट ऑप्शन एलोस्टेरिक विदाउट इनिबिटर सिमिलरली फॉर नॉन एलोस्टेरिक विद इनिबिटर एंड विदाउट इनिबिटर ओके देन बहुत ईजी क्वेश्चन था वायरस का आउट ऑफ फोर वायरसेस यू हैड टू टेल की कौन सा आर एन एायरस है ऑप्शन एडिनो वायरस था बैक्यूलो वायरस था पॉक्स वायरस था एंड वन वॉज वर्थ एडीनो बेक्यूलो पॉक्स वायरस एंड हर्बी सिम्प्लेक्स वायरस ओके एंड एडिनो वायरस ही है उसके बाद देर वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम पार्टीशन कोफिशन दैट इज रिलेटिव फ्रंट का क्वेश्चन न्यूमेरिकल था आपको फॉर्मूला बेस्ड था ये आपको करना था देन अगेन रामाचंद्रन प्लॉट से देर वॉज क्वेश्चन एल एल एन इन के लिए कितना एरिया जो है वो अलाउड होगा आउट ऑफ फोर स्टेटमेंट बहुत ईजी था एल प्रोलिन का क्योंकि दे दिया था स्टेटमेंट्स एंड यू नो कि प्रोलिन के लिए अलाउड रीजन ज्यादा नहीं होते तो आपके अगर कॉन्सेप्ट थरो हैं है एम टेलिंग यू कुछ नहीं है पेपर में ओके okay? फिर माइक्रोबायोलॉजी से इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है इस, इस बार थी दो तीन क्वेश्चंस इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी से आपको मिलेंगे कि कौन सा एंजाइम कहाँ यूज करते हैं जैसे माल्टेज यूज़ करते हो प्रोटीज यूज़ करते हो आप कहाँ यूज करते हो क्यों यूज़ करते हो फिर जो चीज होता है आपका उसकी स्मेल कौन से बायोमोलिक्यूल की वजह से होती है एसीटो एसीटोन मतलब बायोमोलिक्यूल आई डोंट नो मतलब आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या क्या बायोमोलिक्यूल्स होते हैं बट कीटोन्स एसीटो एसीटोन मतलब कौन सा मोलिक्यूलर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल ऑफ चीज देन इम्यूनोलॉजी से देअर क्वेश्चन मतलब कुछ अच्छे प्रपोर्शन में आफ्टर प्लांट फिजियो इम्यूनोवल देर इम्यूनोलॉजी से एलाइजा बेस्ड क्वेश्चन थे कि जब आप एलाइज़ा करते हो तो आपकी जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है व्हाट इज इट्स रिलेशन विद द प्राइमरी एंटीबॉडी ये आइसो टाइप होता है उसका इडियो टाइप होता है एलो टाइप होता है तो एज फार एज आई नो आइजो टाइप होता है आप एक बार इसको चेक करना आपके केस में मतलब इफ यू हैव योर एग्जाम टूमोरो तो इट्स नॉट यू नो गोइंग टू हैपन कि कल भी सेम क्वेश्चन आए बट एलाइजा एक बार देख लेना देन देवर क्वेश्चन फ्रॉम बी टू टी बी टील इम्फोसाइड्स दो या दो से ज्यादा क्वेश्चन दो या तीन क्वेश्चन एनर्जी का एक क्वेश्चन था इट्स नॉट एनर्जी इट्स एनर्जी ए एन ई आर जी वाई दैट इज जब आपका इम्यून सिस्टम वर्क प्रॉपरली उसका क्वेश्चन था अप्लाइड क्वेश्चन एंड देन प्लांट फिजियो में देर वॉज अ क्वेश्चन आस्किंग कि आयरन ट्रांसपोर्ट कौन करता है एंड एनिबिटर प्लांट प्रोडक्ट कौन सा है तो ऑप्शन में आपके पास आयरन ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसफेरिन एंड फेरेटिन वर देयर एंड फॉर एनिमल प्रोडक्ट कुछ uh, क्या बोलते उन्हें एंटी थे और सेपोन थे ये आपको चेक करना पड़ेगा सिस्टीन भी एक ऑप्शन था जो कि आंसर नहीं हो सकता ओके एंड देन जो आपका प्लांट होता है उसमें एपिकल हुक कौन बनाता है कौन सा फाइटो हॉर्मोन है जो एपिकल हुक के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंजाइम डाइजेशन के क्वेश्चन थे जो सीक्वेंसिंग के क्वेश्चन होते हैं ट्रिप्सिन काम ट्रिप्सिन कब का यूज करते हो आप डायरेक्ट क्वेश्चन वॉज देयर कि आप कौन सा अमीनो एसिड कट करोगे इनसे एंड देर वॉज अ क्वेश्चन जहाँ पे तीन अमीनो एसिड्स दिए हुए थे उनको डाइजेस्ट करना था उसके बाद आपको उसका चार्ज बताना था कि कितना चार्ज बचेगा उसमें ठीक है ट्राई था वो एक एन का एक क्वेश्चन था एन <coughs> में आई गेस आप जानते हो कि जो आपका मॉलिक्यूल है उससे जो भी आइटम्स एसोसिएटेड होते हैं अगर वो सिमिलर होंगे तो फ्रीक्वेंसी भी सिमिलर होगी तो उसमें लिखा था कि किसमें सिमिलर फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट आएगा तो एनएमआर का एक क्वेश्चन था एक सेकेंड हाँ Let me have a... आपको अगर कुछ पूछना है तो यू पीपल कैन आस्क यू कैन राइट यूर क्वेश्चन ठीक है अगर आपको पूछना होगा तो यू कैन आस्क इन बिटवीन आई विल रीट इट लेटर ऑन न्यूक्लियोटाइड का क्वेश्चन था बहुत ईजी था कि प्योरीन जो होता है न्यूक्लियोटाइड उसमें ग्लूटामिन से कौन सा नाइट्रोजन यू नो िन कौन सा नाइट्रोजन को कंट्रीब्यूट करता है तो पायरेमिडिन का शेप देखना है थोड़ा लॉजिकल बनता है कि प्योर इन पायरेमिडिन दोनों देख लेते हैं इनकेस आ गया इंटरफेस में जो क्रोमेटिन होता है उसका साइज कितना होता है ऑप्शन तीस तीन सौ सात सौ दैट इज थर्टी नैनोमीटर थ्री हंड्रेड निनोमीटर सेवन हंड्रेड नैनोमीटर और द स्ट्रक्चर इज बीड्स ऑन स्ट्रिंग ये आपको एक बार देखना होगा बी एन टी लिम्फोसाइड में आपको बता चुकी हूँ देन सिक्सटीन इज सुपर एंटीजेंस पे क्वेश्चन था फिर सेवेंटींथ इज वॉट इज यू नो प्लाज्मो जो प्लाज्मोडियम होता है उसका जो आपके लिए ह्यूम्स के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है विच इज इट लाइक स्पोरोजॉइट्स है या मीरोजॉइट है कौन सा है फाइन आई नो आपको पता होगा दैन एटीन वॉस एपोथिशियम की प्लॉडी क्या है एपोथीशियम माइक्रोस्पोर मदरसेल एंड माइक्रोस्पोर इन तीनों की प्लॉडी रेस्पेक्टिवली यू हैड टू टेल की क्या प्लॉडी है इनकी देन नाइनटीन इज लाइक नंबर्स हैव गिवेन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आई गॉट नाइनटीन वॉज बेस्ड ऑन एंड ऑर्थोलॉग्स जीनोलॉग्स भी देख लेना आप पैरालाग्स ऑर्थोलॉग्स एंड जीनोलॉग्स ओके वॉज अ क्वेश्चन फ्रेम्ड लाइक कि एक रिसर्चर इज स्टडिंग अबाउट हीमोग्लोबिन इन फोर डिफरेंट ऑर्गैनिज्म एंड बी रिसर्चर इज स्टडिंग अबाउट दिस हीमोगलोबिन इन टू डिफरेंट ऑर इन इन अ सिंगल इंडिविजअल तो दे आस्ट की वट आर दे एक्चुअली स्टार्टिंग आर दे स्टडिंग पैरा और ऑर्थोलॉग ओके एंड देन ब्लास्ट में जो ई वैल्यू है उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है उस पर क्वेश्चन था

लैक ओपेरॉन हाईली इंड्यूस्ड कौन से केसेस में रहता है वट आर दोज केसेज जो आप केस पढ़ते हो ना हाई ग्लूकोज हाई लैक्टोज हाई सी एम पी तो आउट ऑफ दोज ग्लूकोज ज्यादा होना चाहिए कि नहीं अक ग्लूकोज इफेक्ट आ जाता है तो ग्लूकोज तो ज़्यादा होना नहीं चाहिए ठीक है तो इंड्यूज होने के लिए लैक ओपेरॉन में क्या क्या कंडीशन चाहिए दैट वॉज वन क्वेश्चन एंड देन ट्वेंटी फोर्थ इज रिफेम्पिसिन आपने यूज़ किया फॉर किलिंग सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज अगेंस्ट कैरियर ओनली राइट तो रिफेम्पिसिन यू हैव यूज बट उसका इफेक्ट नहीं आया तो मोस्ट प्रोबेबल रीजन क्या हो सकता है उसके uh, जो आपका आरिनापोली मरेज है उसकी बीटा सब यूनिट में प्रॉब्लम थी या यू नो बेटर किसमें प्रॉब्लम थी उसकी देन ट्वेंटी फिफ्थ इज पीई एंड ए साइड्स जो होती हैं आपके प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे इनकी जो सिग्निफिकेंस है व्हाट इज देर सिग्निफिकेंस मतलब कौन सा माइनो कौन सा टी आर एन ए कहाँ पर बाइंड करता है लाइक like, अमीनोसाइलेटेड टी आर एन ए की पोजीशन ऑफ बाइंडिंग क्या होती है पेप्टाइडल टी आर एन ए की पोजीशन ऑफ बाइंडिंग क्या होती है इस पे क्वेश्चन था देन अबाउट स्प्लाइसिंग आई कॉल इट अ स्लाइसिंग क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स नंबर देर वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम आर लूप टेक्निक आई गेस यू ऑल नो जब भी आपको इंट्रॉन पता करना होता है यू यूज आर लूप टेक्निको देव आज की देर इज एन मतलब इंटर रिजन एंड देन यू हैव टू थिंग्स टोटल आर एन एफ दैल एंड ऑल्सो सी डी एन एर एन एच इज न्यूक्लियर लोकेलाइज तो यू हैव टू टेल कि कहाँ पे देर विल बी हाइब्रेडाइजेशन तो हाइब्रेडाइजेशन होगा टोटल आर एन ए और आपके जो डी एन ए जिसमें इंटरॉन प्रेजेंट है क्योंकि जब आपके पास टोटल आ रहे हैं ना तो उसकी स्लाइसिंग नहीं हुई है तो आपके पास ऑलरेडी यू हैव इंट्रॉन्स देयर एंड आपके पास टेस्ट करने के लिए कौन सा सेगमेंट है इंट्रॉन का तो इंट्रॉन इंट्रॉन बाइंड करेंगे यू विल गेट टू नो देन कम्स एब्जॉर्बेशन ऑफ क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोरेथ इसको आपने एब्जॉर्बेंस के बेसिस पे एक ऑर्डर में अरेंज करना था असेंडिंग डिसेंडिंग तो आप एब्जॉर्बेंस पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना देन पी आर एंड पी एफ आर से बहुत ही मतलब कुछ इतना एक्सपेक्टेड नहीं था पी आर और पी से उनका कलर भी पूछा था पी आर एन बी एफ आर में पी आर से पी एफ आर कन्वर्जन होता है, know, है ना डार्क रिवर्जन वी ऑल नो डार्क रिवर्जन का एक स्टेटमेंट था बट कलर क्या होता है ये भी आप देख लेना कि पी आर का क्या होता है पी एफ आर का क्या होता है आई एम टॉकिंग अबाउट फाइटो ओके रेड कलर जो एब्जॉर्ब करता है एंड फार रेड जो एब्जॉर्ब करता है देन देर वॉज अ क्वेश्चन अबाउट बेकर्स बेकर बेकरोमाइसी वो बेसिकली सी ओ टू इवॉल्व कराते हैं तो आपका वो ऑप्शन सही हो जाता है वहाँ पे देन दे वॉज न्यूमेरिकल इजी थर्टी पे एक क्वेश्चन था उस पर एक न्यूमेरिकल करना था आपको फाइन uh, आप थोड़ा सा देख सकते हो लिंकिंग नंबर के फॉर्मूलाज को बायो स्टेट स्टार्ट से दे वॉज वन क्वेश्चन दट देर आर दीज मनी पीपल्स वैक्सीन तो आउट ऑफ दो कौन सा टेस्ट करोगे का स्क्वायर टेस्ट करोगे टी टेस्ट करोगे कौन सा टेस्ट करोगे अब आपको आगे एनालाइज करना है इन ऑर्डर टू एनालाइज द डेटा एंड देन देर वॉज अ क्वेश्चन थर्टी टू देर वॉज अ क्वेश्चन अबाउट माइक्रो लाइक होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म को इवेट करने के लिए या आपके होस्ट के मैकेनिज्म को बेवकूफ बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं ना डिफरेंट टेक्निक्स तो उसमें देर वॉज अ क्वेश्चन कि लिशमानिया क्या करता है लिशमानिया डोनोमानी ना तो वो लाइसोजोम में इंट्रैप कर लेता है खुद को तो आपको होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म कुछ आपका 538 थर्टी एट ऐसे पेज नंबर होगा पार, पार्थ फाइंडर में उसमें आपके पास दो तीन ना डायग्राम्स बने हुए हैं आप उनको एक बार देख लेना और इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि कल भी यही आए बट आपको देखना चाहिए इसको और इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि इसमें से नहीं आए तो दोनों केसेस हैं आप एक बार देख लो देन देर वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम सिग्नल सीक्वेंस व्हाट आई एनालाइज फ्रॉम टूडेज पेपर ना कि देर वॉज डायरेक्ट क्वेश्चन तो यू ट्राई टू जज द पेपर इफ देर आर डायरेक्ट क्वेश्चन देन द मैंटेलिटी इज कि आपको डायरेक्ट ही मिलेगा तो आपको सेकेंड थाट नहीं लाना है जिसके लिए आपको फर्स्ट थाट आ रहा है आप कन्फर्म हो गो फॉर इट वो ही होगा आंसर ठीक है थर्टी थ्री नंबर वॉज सिग्नल सिक्वेंस एंड ऑर्गेनली टारगेटेड एंड आंसर जैसे केडल सीक्वेंस का आपको पता है के डी एल सीक्वेंसेस होते हैं वो कहाँ टारगेट करते हैं तो केडल का गलत लिखा हुआ था आंसर देर वॉज अ राइट ऑप्शन की एसके एल सिक्वेंस जो है वो पेराक्सीजोम टारगेट करता है तो सिग्नल सीक्वेंस एंड देन थर्टी फोर्थ वॉज न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए थे कि गेटेड ट्रांसपोर्ट होता है जी टी पी एस इन्वॉल्व होते हैं कि नहीं तो इसके बारे में आपको कुछ एक स्टेटमेंट बताना था रॉन्ग स्टेटमेंट बताना था तो उसमें एक रॉन्ग स्टेटमेंट ये था कि जब भी आप ट्रांसपोर्ट करते हो गेटेड ट्रांसपोर्ट करते हो तो आपकी प्रोटीन फोल्ड अनफोल्ड एंड रीफोल्ड होती है वो एक स्टेटमेंट था तो वो ही स्टेटमेंट गलत था एंड देन देर वॉज अ क्वेश्चन अबाउट जी ई एफ वनी इन एक्सचेंज फैक्टर्स क्या करते बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन थे इसलिए बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सीधा सीधा इट वॉज वेरी इजी क्वेश्चन ओके जी ई एफ क्या करते है लेट मी टेल यू बारह चौदह या बीस क्वेश्चन ईजी होने से पेपर ईजी नहीं हो जाता है ट्वेंटी इंटू थ्री कितना सिक्सटी मार्क्स लाओगे तो आपका कट ऑफ एक सौ बीस एक सौ तीस जाएगा तो आप सिक्सटी का क्या करोगे है ना तो इससे आप इस पेपर को ईजी नहीं कह सकते ओके टू नो फॉस्फोराइलेशन हुआ है आपके किसी प्रोटीन में विच टेक्निक विल यूज तीन चार टेक्निक दी थी मास्क पेक आपको पता होगा यूज करते हैं माल्टी टॉफ़ दिया होता थर्टी टू पी लेबलिंग दिया हुआ था तो ये सारे ऑप्शन थे एंड देन न्यूड माइस में क्या नहीं होता है न्यूड माइस में थामस तो नहीं होता है बट आउट चार ऑप्शन थे जिसमें से आपको स्टेटमेंट वाइज बताना था द ऑप्शन वो उसकी ग्राफ्ट रिजेक्शन शो करेगा जो की अनफॉर्चुनेटली माइस नहीं शो कर पाएगा क्योंकि उसके पास तो इम्यून सिस्टम मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए है ही नहीं कि ग्राफ्ट रिजेक्शन करेगा कैसे ओके सो देर वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम ब्लाइंड स्पॉट वॉट इज ब्लाइंड स्पॉट है ना आई का ये तो हमने बचपन में पढ़ा है तो कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चन एंड देन थर्टी नाइन्थ इज थर्टी नाइन्थ वॉज ट्रांसड्यूसन के बारे में देवर सम स्टेटमेंट अबाउट दी वर्टिब्रेट्स इेट्स ट्रांसड्यूसन ओके आप क्लियर कट यू विल गेट आंसर अगर आपने थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है देन फोर्टी एथ वॉज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में जो भी स्टेटमेंट्स थे उसमें से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में स्टेटमेंट सही था इट वाज गिवन कि रेजोल्यूशन पावर के बेसिस पे वेवलेंथ के बेसिस पे तो आप जब स्टेटमेंट पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा देन 41 वाज वॉज रिवर्स फेज क्रोमैटोग्राफी के बेसिस पे आपको बताना था कि इल्यूशन कैसे होगा चार एसिड्स दिए हुए थे और बता, बताना था कि अगर रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी आप यूज़ कर रहे हो तो कैसे इल्यूशन होगा फोर्टी सेकेंड वॉस गैस क्रोमेटोग्राफी में इथेनॉल और ब्यूटेनॉल यूज़ करा था और बताना था कि रिटेंशन टाइम में क्या डिफरेंस होगा और जो एरिया अंडर द कर्व है उसमें क्या डिफरेंस आएगा एक दो ऑथेंटिक बुक्स में इसका मैंने एक बार पढ़ा था डायरेक्ट ही आंसर लिखा हुआ था उसके बाद फोर्टी थर्ड वोज एफिनिटी बेस्ड लाइगेंड है आपको उसको ब्लॉक करना है आप क्या करोगे परमानेंटली ब्लॉक करना है तो आप कभी भी परमानेंटली कुछ भी करने के लिए कोवेलिन मॉडिफाई कर दोगे उसको ठीक है फोर्टी थर्ड हो गया फोर्टी फोर्थ वोज चार प्रोटीन है ए बी सी डी आपने साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी किया देन आपको कुछ ऑर्डर मिला फॉर एक्जाम्पल बी एस सी डी मिला तब आप उसके बाद क्या कर रहे हो आप एस डी एस पे जन जेल कर एस डी एस पे रन कर रहे हो तो एस डी एस पेज के बाद आपको बताना था कि अब इन प्रोटीन्स का ऑर्डर ऑफ़ माइग्रेशन क्या होगा ओके okay? <coughs> तो सबसे छोटा सबसे आगे उस हिसाब से आप निकाल लोगे वो इजी है फोर्टी फिफ्थ क्वेश्चन वॉज मोस्ट अबंडेंट रेपेटेटिव एनिमेंट इन ह्यूमन्स ओके देन फोर्टी सिक्स वॉज रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम हाँ रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम एंड एनर्जी ट्रांजिशन प्लीज रीड दिस कि यूवी विजिबल क्या कराते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस कराते हैं आई क्या कराती है माइक्रोवेव क्या कराती है जैसे अगर आई का देखें तो आई तो वाइब्रेशनल करती है जो भी करती है और माइक्रोवेव रोटेशनल करती है तो आपको ना मैश करना था इसको काइंड kind ऑफ of. एक बार एनर्जी ट्रांजिशन आप पक्का देख लेना इसके साथ साथ देखो बी है आर सी रिलेटेड टू रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम होता है ना उसको एक बार देखना उससे वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो आंसर्स को एंड देन सी आई पार्ट बी का एक क्वेश्चन था यू ऑल मस्ट और पता नहीं अगर प्रिपेयर कर रहे हो आप लोग अभी नहीं करो कोई बात नहीं तो उसमें होता है कि आप किसी बैक्टीरिया को 20 डिग्री से 37 किसी ऑर्गेनिज्म को ही 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रांसफर कर देते हो तो वो बोलते हैं कि उसके लिपिड में क्या डिफरेंस आएगा है ना के शॉर्ट चेन हो जाएगी या फिर अन बढ़ जाएंगे या सेचूरेटेड बढ़ जाएंगे ये आपको आना चाहिए ये डायरेक्ट सी एस आर का उठा के दे दिया था एंड देन फोर्टी एथ क्वेश्चन वो है को फैक्टर बेस्ड आपको एंजाइम्स बताने थे कि एसाइल ग्रुप किस में होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट किस में होता है देन फोर्टी नाइन्थ वो ट्रांस ग्लूटामिनेज आप कब यूज़ करते हो कहाँ पे यूज़ करते हो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का अगेन ये क्वेश्चन था एंड क्यों यूज़ करते हो फिफ्टी क्वेश्चन वो थोड़ा सा जिनको लैब का एक्सपीरियंस है इट वॉज़ कि एक वैक्टर है और एक इंसर्ट है एक रेशियो में डाल रहे हैं थ्री इज टू वन या फोर इज टू वन वॉज द रेशियो तो आपको बताना था कि आप इंसर्ट कितना लोगे उस केस में तो नैनोग्राम में आपका इंसर्ट दिया हुआ था एंड देन फिफ्टी फर्स्ट क्वेश्चन वॉज अबाउट को ट्रांजेक्शन फ्रिक्वेंसी सि तीन अमाइनो एसिड्स दो अमाइनो एसिड्स और एक आई गेस एंटीबायोटिक लिया था तीनों जीन्स का आपको एक ऑगजोट्रॉफ दिया था एक वाइल्ड टाइप दिया था आपको बताना था कि को ट्रांजेक्शन फ्रिक्वेंसी कितनी होगी मैं जो भी बड़े बड़े टर्म्स बोल रही हूँ उनसे डरना नहीं है कुछ भी नहीं है ठीक है आप जो बेसिक्स हैं आपके नो करेक्ट है आपको पता है साथ में रहेंगे को ट्रांजक्शन होगा दूर होंगे नहीं होगा सिर्फ आंसर उसी से निकलना है ठीक है बड़े बड़े टर्म से नहीं डरते जो रहता है वही रहता है आंसर देन कैरियो टाइप पे एक क्वेश्चन था कि कुछ लोकस हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस के लिए तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं? देन फिफ्टी थर्ड वो आरकि एंड यू बैक्टीरिया में क्या कॉमन है अब ये सब देख के बच्चों को लग रहा है कि बहुत ईजी पेपर था तो आर्किया और यू बैक्टीरिया में सिमिलैरिटी बतानी थी वो सच में ईजी है देन फिफ्टी फोर्थ क्वेश्चन था कि रूट की कौन सी जोन में प्रो वैस्क्युलर सेल्स जो है वो प्रेजेंट होंगी प्रो वैस्क्युलर प्रो वैक्युलर सेल्स सॉरी प्रो वैक्युलर सेल्स जो रूट्स में मतलब प्लांट सेल का स्पेशलिटी ही है वैक्यूल होना एक बड़ा सा तो यू शुड सी कि प्रो वैक्यूल कब बनता है अब अभी आप लोग ये सब चीज़ें मत सर्च करना अभी मैं थोड़ा ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि कैसे अभी आगे करना है ना अभी के लिए कल के लिए अभी ये सब मत देखना फिर एक इजी सा क्वेश्चन था कि और स्पॉन्जेस में ऑस्मो के लिए यू हैव कैनाल सिस्टम मतलब द क्वेश्चन वाज रिफरिंग की वो ना वाटर बैलेंस मेंटेन करते हैं हाउ डू दे एग्जैक्टली डू दिस ओके सो द आंसर वाज ऑसमो रेगुलेशन एंड देन देर वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक जो कि थोड़ा सरप्राइजिंग था इतना फैक्चुअल तो नहीं आता तो कनेक्टिंग लिंक में आपको पूरी स्पेशल फीचर्स दिए हुए थे ऑर्गेनिज्म के लाइक डैट ऑर्गैनिज्म है डॉट्स अ पोजिशन ऑफ हार्ट अन जॉइंटेड लेग्स आपको बताना था कि ये किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक है थोपोडोडा मोडल का तो ये चीज़ें आपको क्लैरिफाई करनी थी वहाँ पे और देन प्लांट सेल विदाउट न्यूक्लियस बताना था विच इज फिफ्टी सेवेंथ नंबर फिफ्टी एट्थ वो एल्वियोलाई जो सेल्स होती हैं उनका ओरिजिन कहाँ से होता है मिजोडामल एक्टोडर्मल एंडोडर्मल या एक्टोडर्म एंडोडर्म बोथ फिफ्टी नाइन्थ ओपन एंड क्लोज वर्कुल क्लोज जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं उनमें जो ब्लड वॉल्यूम होता है वो ऑर्गेनिज्म के कितना परसेंटेज ऑफ वेट को कंट्रीब्यूट करता है फॉर एग्जांपल मेरा कुछ ब्लड वॉल्यूम है उसकी वजह से मेरे वेट में कुछ परसेंटेज ऐड हो रहा है है ना जो वेट में नहीं बताऊंगी तो वो वेट में कुछ परसेंटेज ऐड हो रहा है तो वो आपको बताना था कि ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है ये ये थोड़ा फैक्चुअल है ये आप देख सकते हो लेकिन फिर भी शायद ये तो नहीं आएगा तो ये फिफ्टी नाइन था देन सिक्सटी वॉज जब सी सी बॉन्ड प्रेजेंट होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के टाइम पे कौन सा कोफैक्टर भी यूज लाइक डू वी यूज एफ ए डी एन ए डी और एन ए डी पी ओके तो आउट ऑफ दीज को फैक्टर्स आपको बताना था टॉकिंग अबाउट को फैक्टर्स आपको पूछा था कि सिक्सटी वन वॉज की वाटर एंड एन ए डी पी एच इन दोनों को ही घुमा के ऑप्शन में कर दिया था कि वाटर एन प्लस वाटर एनएडीपीएच एनएडीपीएच एन ए डी पी एच फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें कौन इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम, काम करता है और कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करता है क्वेश्चन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज साइकिल यू ऑल नो कि ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेज कब चलता है जब आप ई को एनिबिट करते हो कार्बन मोनोऑक्साइड से करते हो या साइनाइड से करते हो साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है अगर किसी को साइनाइड पॉइजनिंग भी कर दी तो भी एक पाथवे चलेगा किस में प्लांट्स में तो एनिमल में नहीं तो एनिमल इसीलिए मर जाते हैं ना साइनाइड पॉइजन से तो अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज साइकिल का एक क्वेश्चन था उसमें ना आपको बताना था कि क्या हो जाता है अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज साइकिल में एंड देन सिक्सटी थर्ड वोस विच इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टन इन पी एस टू अगेन एन ईजी क्वेश्चन की पी एस टू में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करता है देन सिक्सटी फोर्थ वॉज की ईडी टी ए जब आप डालोगे तो किस प्रोसेस पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा थ्री ऑप्शन चार्ज रिलेटेड थे तो उनपे तो करेगा ईडी टी पे खुद चार्ज होता है देन देर वॉज वन प्रोसेस की प्रोटीन डॉकिंग तो प्रोटीन डॉकिंग पे इसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए देन सिक्सटी फिफ्थ वोस डिजिटलिस्ट जो प्लाट है उससे एक ड्रग निकलती है, है ना दैट इज़ अ मेडिसिन वो कौन से पम्प पर एक्ट करती है एंड वॉट इज इट्स मोड ऑफ एक्शन बेसिकली यू यूज़ इट इन हार्ट डिजीज ओके सिक्सटी सिक्स वॉज इंडिपेंडेंट अजॉटमेंट ऑफ क्रोमोजोम कौन सी स्टेज में होता है सेल साइकिल की लाइक एनाफेज फेज़ वन में होता है एनाफेज फेज टू में होता है कौन सी सेल सेल साइकिल की कौन सी स्टेज में होता है देन सिक्सटी सेवंथ वॉज अ क्वेश्चन फ्रॉम डेस्मोटिब्यूल वॉट एग्जैक्टली इज डेस्मोटिब्यूल यू आर नो कि एस सी आर का एक्सटेंशन है डेस्मोटिब्यूल प्लांट्स के केस में अब आप ऐसे मत समझ कि मैं कुछ कुछ बता रही हूँ मैं कुछ कुछ नहीं बता रही हूँ मैं जो जो चीज़ें नहीं बता रही हूँ वो आप एक बार बैठ के दस मिनट पंद्रह मिनट गूगल कर लेना लेकिन अभी टाइम वेस्ट मत करना चीज़ों पे ओके देन सिक्सटी एथ वॉज कीमोटैक्सिस इन बैक्टीरिया उसमें क्या होता है फॉस्फोरेलेशन होता है डी होता है आपके किसी प्रोटीन का ये ऑप्शन से देन सिक्सटी नाइन्थ वो पैसचराइजेशन हुआ है मिल्क का उसको आप कैसे कन्फर्म करोगे क्लास्ट्रीडियम टेस्ट से एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट से एल्कलाइन फॉस्फेटेट टेस्ट से या फिर एंडोस्पोर के टेस्ट से ओके सो पैस्चराइजेशन कन्फर्मेशन थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि माइक्रोबायोलॉजी का हल्का हल्का टच था उसमें एंड देन सेवनटीथ क्वेश्चन वो ब्लड सेल्स का एंटीजन रिस्पॉन्स के बाद जो डायरेक्ट एक्टिवेशन है वो कैसे होता है फाइन ये आपको एक बार देखना होगा कि बी टी इंफोसाइड्स में डायरेक्ट एक्टिवेशन होता है या इनडायरेक्ट होता है या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स चाहिए या वो सीधा एक्टिवेट हो जाती हैं एंड सेवेंटी फर्स्ट क्वेश्चन वो बी एंड टी सेल्स के मेच्योरेन पे यहाँ पे ये भी अप्लाइड क्वेश्चन था तो बी टी सेल थोड़ा बहुत देख लेना एक बार सेवेंटी टू वॉज बेस्ड ऑन एंटीबॉडी डाइवर्सिटी कैसे बनती है बी जे रिकॉम्बिनेशन उसके बाद सेवेंटी थर्ड वोज नाइट्रोजन फिक्सेशन में फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर कौन है आउट ऑफ फोर ऑप्शन आपको बताना था कि कौन सा फ्री लिविंग है एंड देन सेवेंटी फोर्थ वोज कौन सी फैमिली है फैमिली एज इन टेक्सोनोमी फैमिली ऑफ प्लांट जिसमें मैक्सिमम प्रोटीन वाले मेम्बर्स मिलते हैं तो यू ऑल नो कि लेग्यूमिनेसी है तो ऑप्शन में फेबेसी दिया था फेबेसी उसी का एक दूसरा नाम है ऑल्टरनेटिव नेम फॉर लेग्यमेसीवेंटी फिफ्थ ओके मोस्ट रेपिटेटिव एलिमेंट आई टोल्ड यू तो सेवेंटी फोर में कहीं से आई वो आई वॉज एबल टू एग्रीगेट है ना तो इतना मैंने थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके थोड़ा बहुत क्वेश्चन निकाला है अब हम बात करते हैं कि सिमिलर क्वेश्चन तो नहीं आएंगे तो इनका क्या करना है इनको हमने बस सुनना है ठीक है आप लोगों ने सुन लिया अब जो भी आपको बोल रहा है कि इजी पेपर था उसे आप बता देना कि इतना भी इजी नहीं था ठीक है फाइन क्वेश्चन पेपर वाज मॉडरेट अब आपको बताना है आपको मैं बताती हूँ कि आप क्या पढ़ो आप प्लांट फिजियो डेफिनेटली पढ़ो मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ो बायोकेमिस्ट्री पढ़ो देन डाइवर्सिटी uh, इन लाइफ फॉर्म्स पढ़ के जाओ उसके बाद जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना एंटीबायोटिक्स पढ़ के जाओ टॉक्सिनस पढ़ के जाओ आपका आर एन एपोमरीज के डिफरेंट सब यूनिट्स पढ़ के जाओ फिर ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं ना सी टी डी पढ़ के जाओ कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप माफ कर देना क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ सी टी डी जो होता है उसमें सात अमीनो एसिड्स होते हैं ना तो सी के बारे में पढ़ के जाना एंड सो लेट मी टेल यू थोड़ा बहुत मैंने सोचा था कि अगर ये नहीं है तो कुछ और टॉपिक्स आई एव डिसाइडेड कि आपको पढ़ने चाहिए तो उसमें आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पढ़ लेना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस जो मैंने बता दिया कि आईआर में क्या होता है यूवी रेडिएशंस कैसे मोड ऑफ एक्शन ऑफ यूवी रेडिएशन क्या है क्योंकि रेडिएशन आपको थोड़ी बहुत पढ़नी चाहिए बियर लैम्बर्ट लॉ से क्वेश्चन नहीं आया था वट कैन बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ आई डोंट नो मतलब वन ट्वेंटी से दे आर नेवर एक्सीडेड बट आई थिंक वन ट्वेंटी टू वन थर्टी टिल नाउ बट टुम पीपल आर गोइंग टू हेव पेपर ना वी विल डिसाइड लेटर टुमारो आईसो आस्क आल डू अ पोल की कैसा गया पेपर उसके बाद हम बात करते हैं इस बारे में है ना अदरवाइज कल वाले लोगों के लिए इट विल बिकम डिफिकल्ट क्योंकि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट की आज का पेपर ईजी था कैसा था कल डिसाइड करते हैं वन ट्वेंटी वन थर्टी सेफ साइड में आप रहोगे अगर आप फिफ्टी फोर टू सिक्सटी क्वेश्चन कर लेते हो नहीं आ रहे समझ में गिव इट अ ट्राई हो जाते हैं क्वेश्चन ठीक है बार बार पढ़ना आप अभी टेंशन मत लेना बियर लैम्पर्ड लॉ से आ सकते हैं क्योंकि नहीं आया था आज क्वेश्चन और फिर C3 थ्री कैम सी फोर साइकिल डेफिनेटली पढ़ना है फोटोसिंथेसिस डेफिनेटली पढ़ना है बायो से बायो भी पढ़नी है क्योंकि क्रैब से ग्लाइकॉलिजिस्ट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा ई से नहीं पूछा आप फोटोसिंथेसिस के इनिबिटर्स देख सकते हो एंड देन सर्कुलर डायकोरिजम देख लेना क्योंकि बिल्कुल नहीं आया है इंपॉर्टेंट टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी मैं हर बार बोलती हूँ मैंने आयन एक्सचेंज बोली थी पार्टीशन ये आई है आपकी साइज एक्सक्लूजन आई है क्रोमेटोग्राफी के तीन से चार क्वेश्चन आए थे ओके okay, एंड एक बार स्पेक्ट्रम देख लेना लेनाट्रोमैग्नेटिक्स स्पेक्ट्रम जो होता है इम्यूनो टेक्निक्स देख लेना एलाइज से क्वेश्चन आया तो एक दो क्वेश्चन कल भी यू कैन गेट और यू कैन एक्सपेक्ट आर एफ एल पी आर एपी डी ऑल्सो यू कैन सी ओके दे एंटीबायोटिक्स आई टॉक की एंटीबाटिक्स तो देखने ही है रहे फैम्पेसिन का मोड ऑफ एक्शन डायरेक्टली नहीं आया इनडायरेक्टली पूछ लिया हो सकता है आपसे एक्टिनोमाइसिन पूछ ले आपसे पूछ ले कि एक्टिनोमाइसिन डी जो है वो आपका ये एचपीवी होता है ना एचपीवी के कौन सी सब यूनिट को इनिबिट करता है तो इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं और एक्सपेरिमेंट्स में बहुत नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स मिलेंगे आपको एंड देन म्यूटेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक तो कल आ सकते हैं वैक्टर से आ सकते हैं क्वेश्चन और ग्रोथ कर्व से आ सकता है जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी से नहीं आया आ सकता है फाइटो हार्मोन से ज़्यादा नहीं आया सिर्फ एपिकल हु का आया था ऑक्सीजन और बाकी मुझे पता नहीं चल पाया तो फाइटो हॉर्मोन से आ सकता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट से बिल्कुल नहीं आया चांसेस हैं हॉर्मोन्स नहीं आए ओवेरियन और यूट्राइन साइकिल के अ फेवरेट क्वेश्चन लाइफ साइंस का आ सकता है फिर आर एन के सिलेक्शन से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं था इकोलॉजी तो टच तो भी नहीं किया तो आपके केस में हो सकता है इकोलॉजी टच हो जाए जो आता है अभी ब्रश अप करिए जो भी मैं बोल रही हूँ उसे ज्यादा टाइम नहीं देना है एक से डेढ़ घंटा देना है बिकॉज मी एंड यू वी बोथ कांट प्रिडिक्ट थोड़ा बहुत मैं बता सकती हूँ क्योंकि टॉपिक्स लिमिटेड है ना प्लांट तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ आना ही है हार्डी वेनबर्ग से आ सकते हैं देन प्रोटीन सिक्वेंसिंग तो आएगा ही हल्का फुल्का एंजाइमेटिक डाइजेशन एंजाइमेटिक डाइजेशन भी इतना ईजी आ रहा है ना आप आंख बंद करके कर लोगे एंड देन लिंकिंग नंबर का क्वेश्चन विटामिन के को फैक्टर्स एक बार पढ़ लेना है तो रखा हुआ क्वेश्चन है अगर आता है तो एंजाइम इनिबेशन भी आप पढ़ लोगे क्योंकि वो आपको पता है इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देख लेना क्योंकि आया है साइनाइड पॉइजनिंग आ गई है अगर अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज साइकिल की बात हो रही है तो एक बार आप देख लो कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है कौन इलेक्ट्रॉन डोनर है थोड़ा बहुत एब्जॉर्बन मैक्सिमा किसका कहां पे आता है ये भी मेटाबोलिज्म देख लेना ले मैं इस बेसिस पे कह रही हूं कि न्यूक्लियोटाइड मेटाबोलिज्म हाई प्रोबेबिलिटी की अमीनो एसिड मेटाबोलिज्म आ जाए लेकिन न्यूक्लियोटाइड मेटाबोलिज्म नहीं छोड़ना प्योरिन पूछा था प्यूरिन पायरोन दोनों देखोगे आप फिर Uh, एक और फेवरेट क्वेश्चन होता है डिनोवो और सैलविच पाथवे वो भी एक बार आप देख लेना देन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का क्वेश्चन अगेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स का इसपे क्वेश्चन आ ही रहे हैं एक से दो क्वेश्चन आर कमिंग एंड देन मियोसिस माइटोसिस जब दे कैन आस्क यू कि इंडिपेंडेंट अजॉटमेंट कब होता है तो मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर कब होता है अगेन अ फेवरेट क्वेश्चन वो भी आप पूछ सकते हैं एपोथीशियम की प्लॉइडी पूछी थी उनने तो थोड़ा बहुत लोअर कैसे देखोगे आप लोग डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स को एक बार देख लो ठीक है ज्यादा प्रेशर मत लेना सब आज ही खत्म नहीं करना है ठीक है आई एम टेलिंग यू पेपर ईजी है आपको आता है ईसीएम को देखना है उसके बाद इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया रेटिनो और पी फिफ्टी थ्री से आ सकता है सेल बायोलॉजी वैसे आई डोंट थिंक इतना फेवरेट है उसके बाद नॉन डिसजंक्शन एंड एन प्लॉयडी एक बार पढ़ लेना हाँ नॉन डिसजंक्शन अगर हो जाए म्योसिस वन में तो क्या होता है अगर सेकेंड में हो जाए तो क्या होता है बैक्टीरियल टॉक्सिन्स प्रोकैरियोट्स एंड वायरसेस एक बार इस पे जाके इस चैप्टर में जाके बैक्टीरियल टॉक्सिंस पढ़ लेना आप एंटीबॉडी एंड इट्स डाइजेशन क्योंकि नहीं आया क्वेश्चन ठीक है तो इतना ही मैं कर पाई अभी तो जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला उस बेसिस पे ऑल द बेस्ट बहुत अच्छा पेपर होने वाला है ठीक है ऐसा कुछ ही नहीं था कि आज ईजी था कल डिफिकल्ट आएगा बिकॉज मेरे को तीन चार बच्चों ने मैसेज किया है कि आज का पेपर ईजी था हमारे लिए कुछ तो छोड़ देते तो आप लोग के लिए बहुत कुछ छोड़ा हुआ है कल आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत आराम से प्रिपरेशन करो इसके बाद जो कन्फ्यूजन है वो हम डिस्कस कर सकते हैं डीएम पे अभी के अभी आप मेरे को बता दो जो जो कन्फ्यूजन्स हैं ठीक है थीके? अभी मैं विद इन वन आवर तो एक्टिव रहूँगी ही रहूंगी मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगी ठीक है ऑल द बेस्ट और अगर फ़ोन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है तो मत करो जो जो चीज़ें हैं शॉर्ट नोट्स उनको रिवाइज़ करो ठीक है ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस यू सबके लिए ठीक है बहुत अच्छा पेपर होगा और टेंशन नहीं लेनी इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं आता पेपर